हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकू चैंपियन स्पोर्ट्स कुरुची में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच में होने वाले आज के वर्ल्ड कप के वुमेन मैच की। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिसेंटली मैंने ग्रैंडिंग विन किया है फ्रेंड, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ज़्यादा टाइम आप कर लूँगा नहीं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था फ्रेंड रिसेंट में। तो फ्रेंड, मैंने वहाँ पर 38,000 की यहाँ पर विनिंग की, और इस मैच में यहाँ पर मेरा जो क्लाइंट है फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पर जो प्राइम ग्रुप देता हूँ, वहाँ पर उन्होंने 1 लाख रुपये की विनिंग की। उन्होंने फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया था, उनके 430 समथिंग पॉइंट बने थे, तो दो प्लेयर चेंज करके उनकी वहाँ पर 1 लाख यानी कि 1 लाख रुपये की यहाँ पर विनिंग हो गई। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा जस्ट 50,000 से थोड़ा सा रह गया, बट फ्रेंड 38,000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे फ्रेंड, उसके बाद अगले मैच में ही मैंने बहुत अच्छी यहाँ पर विनिंग की। NKN CTV का जो मैच था फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक एक टीम मैंने यहाँ उतारी थी, और उन्होंने क्या यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 75 यानी कि इतने लोगों में मैंने 19 रैंक यहाँ पर लिए, एंड यहाँ पे मेरी ग्रैंड लीग मिस हो गई। यहाँ पे मैं 5th रैंक पर रहा, और यहाँ पे मेरी ग्रैंड लीग जस्ट मिस हो गई फ्रेंड। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड कि यहाँ पर बैक टू बैक मैंने ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आप लोगों ने ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर मेरे प्राइम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यहाँ ड्रीम रन में विन नहीं कर पा रहे हो, आप अगर लॉस में हो जाता, तो आप मेरे यहाँ पर प्राइम ग्रुप में जुड़ सकते हैं फ्रेंड। 500 रुपये पर मंथ मेरा चार्ज है फ्रेंड। इसमें मैं आपको क्रिकेट, कबड्डी एंड फुटबॉल तीनों की टीम प्रोवाइड कराता हूँ। क्रिकेट की फ्रेंड एक स्मॉल लीग और यानी कि हेड टू हेड की टीम मिलेगी, और एक मिलेगी आपको 3 या 4 मैन की, जिसमें अगर आपको 3-4 मेंबर अगर ज्वाइन करने, बहुत अच्छी टीम होती है, और आपको 4 ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी। और फ्रेंड कबड्डी एंड फुटबॉल में फ्रेंड आपको हेड टू हेड की 2 टीमें मिलेगी फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपको मेरे यहाँ पर प्लान को लेना है फ्रेंड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9165959889 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप में फ्रेंड मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे प्राइम ग्रुप लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल पर्सनल हेल्प करूँगा, और आपको यहाँ पर विनिंग कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो फ्रेंड अब बात करते हैं यहाँ पर मैच की। तो फ्रेंड इंग्लैंड वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच में जो मैच है फ्रेंड, तो यहाँ पर हाई चांस है कि बारिश आए, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश हो रही है, और यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि फ्रेंड ये मैच चालू भी होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अगर यहाँ पर इनकेस मैच चालू होता है या 5 ओवर या 10 ओवर का होता, तो आप मैक्सिमम जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। आपको ज़्यादा लोअर ऑर्डर के यहाँ पर बैट्समैन या किसी बॉलर को कैप्टन वैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बैट्समैन जो ऊपर ऊपर के फ्रेंड, उनको थोड़ा लेके जरूर अपनी टीम में चलना। तो फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। तो फ्रेंड मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं फ्रेंड, बहुत अच्छी विनिंग करते हैं फ्रेंड, हर कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप टेलीग्राम चैनल में आना चाहते हैं फ्रेंड मेरे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है फ्रेंड। वहाँ पर मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो फ्रेंड प्लेइंग 11 की, पॉसिबल 11 की बात की जाएगी, तो इंग्लैंड का आप स्क्वायर देख सकते हैं, एंड यहाँ पे बांग्लादेश का आप स्क्वायर देख सकते हैं। तो फ्रेंड दोनों का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, इंग्लैंड का फ्रेंड यहाँ पे 15 वुमेंस का स्क्वायर है, एंड यहाँ पे बांग्लादेश का भी 15 वुमेंस का स्क्वायर है। तो फ्रेंड पॉसिबल लाइनअप जो होगी, पॉसिबल जो प्लेइंग 11 होगी इस मैच में, इस टाइप से हो सकती है। यहाँ पर शमीमा सुल्ताना जो इनके विकेट कीपर है, बांग्लादेश की फ्रेंड बहुत ही अच्छे यहाँ पर बैट्समैन है, बट कुछ टाइम से, कुछ 2-3 सीरीज से इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आयशा रहमान है, फिर फरगाना हक है, बहुत ही अच्छी इनकी बैट्समैन है, फिर उसके बाद निगार सुल्ताना है, फिर उसके बाद यहाँ पे रुहाना अहमद है, फिर उसके बाद फहीमा खातून है, फिर उसके बाद संजीदा इस्लाम है, फिर उसके बाद सलमा खातून जो उनकी कैप्टन है फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जारला आरम आएगी, फिर उसके बाद तुलकुबर आएगी फ्रेंड, उसके बाद लता मंडल या नाहिदा अख्तर में से कोई एक यहाँ पर खेलती हुई आपको नजर आएगी फ्रेंड। अगर यहाँ पे पॉसिबल 11 इंग्लैंड की बात की जाए, तो इंग्लैंड की तरफ से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टमी व्यूमोंट है, डैनियल वेट है, एंड एमी जोन्स है, उसके बाद नटाली सीवर फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर हैदर नाइट है, फिर उसके बाद यहाँ पे विनफील्ड है, डैंकली है, फिर उसके बाद सौरभ सोल है, फिर उसके बाद यहाँ पे हैजल है, साथ में स्कल्टॉन है, फिर उसके बाद एली स्मिथ है। तो फ्रेंड ये होगी इनकी पॉसिबल लाइनअप इंग्लैंड की। तो फ्रेंड यहाँ पर इसमें तो आपके लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है मैच में, आप यहाँ पर इनको अगर 3 या 4 मैन में ट्राई करते हो, तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा आपको रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इनको नहीं लिया होगा फ्रेंड, आप यहाँ पर इनको चांस ले सकते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर मैच की, टीम की, ड्रीम इलेवन की टीम जो मैंने आपको बनाई है। तो फ्रेंड एज ए विकेट कीपर मैं यहाँ पर जाऊँगा शमीमा सुल्ताना के साथ। तो फ्रेंड शमीमा सुल्ताना के साथ जाने का मेरा
मेन रीजन ये है फ्रेंड, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है एमी जॉन्स, भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है फ्रेंड। वन डाउन आ सकती है, बट आ सकती है बोल रहा हूँ फ्रेंड, श्योर नहीं हूँ मैं इस बारे में, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम इनको छठवें नंबर पर भेज दे, पाँचवें नंबर पर बैटिंग करने भी भेज सकती है। बट यहाँ पर जो इंग्लैंड में T20 जो मैच हुए थे फ्रेंड, जो बिग बैश लीग के जो मैच हुए थे, उसमें यहाँ पर इनको वन डाउन भेजा गया था, इसलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं था। जो ग्लोबल टूर्नामेंट T20 हुए थे वुमेन्स के, वहाँ पर वन डाउन आती थी फ्रेंड एमी जोन्स, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर अच्छी बैट्समैन है समीमा सुल्ताना के बजाय। बट मैं यहाँ पर समीमा सुल्ताना को प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड, मुझे होता है कि ये फिक्स ओपन करने आएगी। तो फ्रेंड बात करते हैं हम बैटिंग में, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर जाऊँगा बीमोंट के साथ, एंड यहाँ पे फरगाना हक के साथ, हैदर नाइट के साथ, एंड यहाँ पर डैनियल वेट के साथ। तो फ्रेंड ये चार बैट्समैन मैंने यहाँ से रख दिए, बिल्कुल टॉप बैट्समैन है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है 3-4 मैन में, तो आप फरगाना हक को हटा के आप आयशा रहमान, निगार सुल्ताना या और बाकी इसमें कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर आयशा रहमान एंड आप निगार सुल्ताना को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शन बेटर लगे। बट मैं यहाँ पर जाऊँगा फरगाना हक के साथ। और फ्रेंड टमी बीमोंट बहुत ही अच्छी यहाँ पर बैट्समैन है, आप इनको अपनी, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं फ्रेंड, तो बिल्कुल भी मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, बिल्कुल भी आप इनको अपनी टीम से निकालना नहीं, क्योंकि फ्रेंड बहुत ही अच्छी बैट्समैन है और आपका यहाँ पर पूरा स्मॉल लीग का कचरा कर देगी अगर ये चल गई तो। हैदर नाइट की बात की जाए तो फ्रेंड हैदर नाइट आएगी तीसरे चौथे नंबर पर, बट मैं इन पर रिस्क नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैट्समैन है और यहाँ पर अच्छी खासी स्पिनर भी है। और आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अच्छे खासे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ ब्रेक बॉलर है, और कभी कभार जब टीम को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है और कुछ ना कुछ विकेट निकाल के देती है। तो फ्रेंड आप हैदर नाइट को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते अपनी स्मॉल लीग की टीम से। बात की जाए फ्रेंड यहाँ पर डैनियल वेट के, तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर बैट्समैन है और यहाँ पर बिग बैश में सेंचुरी कर चुकी है, 124 रन किए थे डैनियल वेट ने, मुझे आज भी वो मैच याद है। तो फ्रेंड यहाँ पर ओपन आएगी और आप यहाँ पर डैनियल वेट को बिल्कुल भी अपनी टीम से इग्नोर मत करना। तो फ्रेंड यहाँ पे चार बैट्समैन मैं ये यहाँ पे से रख देता हूँ। ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ से नटाली सिवर के साथ मैं जाऊँगा, तो जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर ऑलराउंडर है एंड काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था जो वुमेंस का T20 मैच होता लास्ट 2 मंथ में। एंड यहाँ पे रोहाना अहमद के साथ जाऊँगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पे स्पिन बॉलर है एंड साथ में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बैट्समैन भी। अगर इनकी बैटिंग आती है चौथे पाँचवें नंबर पर, खैर इनकी बैटिंग तो आई जाएगी फ्रेंड, क्योंकि इंग्लैंड का बॉलिंग लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ पर आशा करूँगा कि अभी रोमाना अहमद की बैटिंग आई जाएगी, तो इसलिए मैं रोमाना अहमद के साथ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पर अगर ट्राई करें तो आप यहाँ पर फाइमा खातून के साथ जा सकते हो, बहुत ही अच्छी स्पिनर है, आप इनके बारे में बता दो आपको बहुत ही अच्छी स्पिनर है फ्रेंड, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था एशिया कप में, जो वुमेंस का एशिया कप हुआ था वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था फ्रेंड। तो आप यहाँ पे चाहो तो फाइमा खातून को अपनी 3-4 मैन की लीग में ट्राई कर सकते हैं। और आपके लिए फ्रेंड यहाँ पे सोफिया डैंकली है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर हैं एंड बॉलिंग भी करेगी, और साथ में अगर आप यहाँ पे 3-4 मैन किया, आप इनको सोफिया को यहाँ पे 20 मैन वाली टीम में जरूर ट्राई कर लेना फ्रेंड, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो फ्रेंड अगर बॉलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ से मैं जाऊँगा सेफ ऑप्शन, क्योंकि बांग्लादेश के फ्रेंड बॉलर का ज़्यादा मुझे ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर, मुझे जहराना आलम का भी ऑप्शन लग रहा है, खदीजा का भी लग रहा है, नाहिदा अख्तर भी लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सलमा खातून को रख दिया है, बिकॉज सलमा खातून यहाँ पर इनकी कैप्टन है और कैप्टन तो इस मैच में खेलेगी ही, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही 100% सेफ ऑप्शन यहाँ पर मुझे सलमा खातून लग रही है। आपको बता दूँ इससे अच्छी बॉलर यहाँ पर जहराना आलम भी है, आप चाहो तो जहराना के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो खदीजा के साथ जा सकते हो, एंड नाहिदा का थोड़ा रिस्क लग रहा है और नाहिदा भी इस मैच में खेल सकती है, बाकी यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा ऑप्शन अच्छे नहीं लग रहे। बट मैं यहाँ पर आपको स्मॉल लीग दूंगा तो फ्रेंड बिल्कुल 100% दूंगा कि ताकि आपके कोई प्लेयर मिस ना हो जाए, तो फ्रेंड इसलिए मैं यहाँ पर सलमा खातून के साथ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से जाऊँगा सोफी स्कल्टन के साथ, तो फ्रेंड बहुत अच्छे यहाँ पर प्लेयर हैं और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है पिछला लास्ट मैचों में, एंड इनको अपनी टीम से आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना फ्रेंड। उसके साथ जाऊंगा मैं यहाँ से आनिया सुबर्सरोपसोल के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी फास्ट बॉलर है फ्रेंड इंग्लैंड की, एंड डैनियल हेजल जो कि स्पिन बॉलर हैं, इनके साथ मैं यहाँ से जाऊंगा। तो फ्रेंड अगर आपको 20 मैन की, अगर आप लीग खेल रहे हैं 20 मैन या ज़्यादा ग्रैंड लीग में, आप लिंडसे स्मिथ को फ्रेंड आप यहाँ पर कैप्टन कर लेना, आँख बंद करके आप कैप्टन कर लेना फ्रेंड, क्योंकि इस मैच में खेल सकती है एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा, अगर इन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया तो आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग जीतनी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर इनका अगर परसेंटेज भी देखा जाए तो सिर्फ इनको 4% लोगों ने यहाँ पर पिक किया, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी फ्रेंड ये
हाँ बॉलर हो सकती है इस मैच में। तो फ्रेंड कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो टॉमी बीमोंड एंड नटाली सीवर, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सीवर को कैप्टन करके बीमोंड को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या आप यहाँ पर डैनियल वेट को भी कर सकते हैं फ्रेंड, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड दो ऑप्शन मैंने दे दिया। ग्रैंडली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं स्कल्टन को करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे सुरपसोल को करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे हैजल को करूँगा, क्योंकि ग्रैंडली में फ्रेंड यहाँ पे बॉलर्स को कैप्टन करना बहुत ही अच्छा साबित हो जाता है। तो फ्रेंड ये थी इस मैच में मेरी टीम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा फ्रेंड, और आगे भी आप लोगों की पूरी हेल्प करते रहूँगा। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।